Hey there guys, welcome back to Pokemon Let's Go Pikachu, जहां पर आज हम लोग जाने वाले हैं Elite Four को हराने के लिए। पिछली बार हम लोग को Earth Patch मिल गया था Giovanni से, तो हम लोग को बस अब जाना है Elite Four को हराने के लिए। ओ रॉन आ गया भाई, इंट्रो भी खत्म नहीं करने देगा रॉन तू? हाँ चल आ जा, कोई बात नहीं। ये भी बोल रहा होगा मुझे Earth Patch मिल गया, इससे ज़्यादा क्या बोलेगा। आई फाइनली कॉट अप टू यू, आई गॉट एन Earth Patch टू। ओके चलो, इसको भी मिल गया Earth Patch, अब ये भी Elite Four में हमसे लड़ सकता है, अच्छी बात है भाई। अब तो जो बैटल भी करनी है अब, चलो ठीक है। वैसे मुझे इधर टेस्ट करना ही था कि मेरे पोकेमॉन की लेवल ठीक है क्या, अप टू द पार है क्या, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रेनिंग कर ली थी, मुझे लगा ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पोकेमॉन कितने लेवल के हैं? इसकी पोकेमॉन के लेवल से पता चल जाएगा आराम से कि हमने सही ट्रेनिंग किया कि नहीं। सही ट्रेनिंग किया भाई, 50 लेवल का इसका पोकेमॉन है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 लेवल के आ जाएंगे। तो मैंने अभी आर्टिकोनो को आगे रखा हुआ है, जिससे कि मैं तुम लोग को थोड़ा दिखा सकूँ कि मैं आर्टिकोनो के साथ भी खेल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भाई एक भी बार नहीं खेला इसके साथ। ओ भाई वैसे लगता बड़ा मजेस्टिक है यार ये। चलो राइड ऑन को निकालते हैं, राइड ऑन विल गे गुड मैच। बस मुझे राइड ऑन की थोड़ी सी चिंता है यार, क्योंकि राइड ऑन की लेवल थोड़ी सी कम है अभी। अगर इस बैटल से थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात होगी यार। जोल्टियन ही है इसके पास एक इलेक्ट्रिक टाइप, अरे ना 59 का तो हो ही जाएगा यार इसको हरा के कम से कम ये। चलो यार ये बहुत अच्छा होगा, रॉन ने ये काम अच्छा कर दिया। डबल केक भाई ये ना यूज़ करो तुम, ना ना ना। और आई होप एक अच्छा सा पोकेमॉन सेंटर हो यार पोकेमॉन लीग के अंदर भी, क्योंकि अब मैं वापस नहीं आने वाला वहाँ तक विरिडियन सिटी तक अपने पोकेमॉन को हील करने के लिए। मैं तो सीधे पोकेमॉन वहीं इसमें जाऊँगा लीग में। ओके इसके दो तो मार दिए मैंने, अभी इसके क्या दो और बचे हैं, चार लेके घूम रहा है बस ये पोकेमॉन। भाई यार तू लीग में जा रहा है कि कहाँ पार्टी वार्टी करने जा रहा है, कुछ तो ट्रेनिंग कर लेता। सच में कुछ है ही नहीं तेरे पास पोकेमॉन, वाइल्ड प्लूम निकाल रही है। अब मैं थोड़ा सही से देख रहा हूँ कि भाई कौन से पोकेमॉन निकाल रहे हैं ये लोग, वरना दिक्कत हो जाएगी। अभी से देखना चालू करना पड़ेगा, अगर एलीट फोर में मैंने देखा नहीं ना कि क्या पोकेमॉन आ रहा है तो गए हम काम से। भाई एलीट फोर की चाहे जितनी भी लेवल हो, एलीट फोर होता है, पावरफुल होते हैं वो लोग यार सच में। ओके वाइल्ड प्लूम, दिस गाय विल बी आउट इन वन स्मैश विच विल बी फायर ब्लास्ट बॉय। मैंने मूव्स काफ़ी इनके ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं, मैं चाहता नहीं था कि मैं ज़्यादा इनको कुछ भयंकर मूव्स, मतलब 10-20 मूव्स सिखा दूँ एक ही तरह के। मतलब फायर टाइप में तीन नहीं सिखाना चाहता था, सारे फायर टाइप्स थोड़ा मूव सेट रखूँगा। तो मैंने इसको फायर ब्लास्ट सिखा दिया, एक ड्रैगन टाइप सिखा दिया, एक मैंने इसको थंडर भी सिखा दिया फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, क्योंकि वाटर टाइप्स आते हैं उनके लिए सही रहता है। ओके इसका लास्ट पोकेमॉन निकलने वाला है ये मैरोवाक, एंड आई जस्ट होप कि ये, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये कैंटोनियन हो तो भी वाटर टाइप सुपर इफेक्टिव है, और अगर अलोलन हो तो भी सुपर इफेक्टिव है, ठीक है, तो ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई ब्लास्टोइज आ जा तू, कमाल दिखा दे अपना। और अभी मैं नहीं कर रहा मेगा एवोल्यूशन, तुम लोग बोल रहे होगे शायद से क्योंकि मेगा एवोल्यूशन क्यों नहीं कर रहा तू, करेंगे यार बाद में, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगता है यार ये एनिमेशन होने में मेगा एवोल्यूशन के, तो कौन करे यार, मन नहीं करता ऐसे करने का। जब हम लोग लीग में जाएंगे ना और हम टफ स्पॉट पे होंगे तब करेंगे, और उसमें भी कम ही करेंगे क्योंकि एक बैटल में बस एक ही बार कर सकते हैं। आई होप यू गाइस रिमेंबर दैट, तो हमको थोड़ा सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा। ओके इसको तो मैंने हरा दिया, चलो अब हम लोग को जाना है सीधा लीग में। चल भाई रॉन तू निकल ले यहाँ से, एक काम कर तू थोड़ी और ट्रेनिंग करके आ, थोड़े पोकन वोकन पकड़, थोड़े लेवल बढ़ा अपनी, उसके बाद जाकर तू देखियो ठीक है। अभी ऐसे तो तू चैम्पियन को तो हरा ही पाएगा, चल एलीट फोर को मैंने मान ली हरा दिया तूने, पर चैम्पियन को कुछ नहीं कर पाएगा तू फिर। ये गया आगे भाई, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ट्रेनिंग करके आ जा। चलो ठीक ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, अब पिकाचू बुला रहे हैं हमें। ओ भाई पिकाचू में फाइटिंग स्पिरिट देख रहे हो तुम, हमेशा से इसमें यही है भाई फाइटिंग स्पिरिट। चलो मेरे भाई आज बहुत काफ़ी फाइटिंग स्पिरिट है, तो मैं भी चलता हूँ यार। आज हमारा मतलब सेमी फाइनल टाइप का एपिसोड बोल लो तुम, आज इसमें हम लोग एलीट फोर को हराएंगे, और अगले एपिसोड में मैं हराऊंगा यार इसको मैं क्यों पकड़ रहा हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अगले एपिसोड में मैं हराने जाऊंगा अपने चैंपियन को ठीक है। ओके सो वी आर ऑलमोस्ट इन द पोकेमॉन लीग, और हम लोग आ चुके हैं। वैसे आर्टिकुनो बड़ा सही लगता है यार पीछे उड़ते हुए हमारे। ओके हम लोग आ गए, बड़ा सुंदर सा बनाया उन्होंने, यहाँ पे झाड़ी वाड़ी पता नहीं क्यों लगा रखी है। कुछ हिडन आइटम पिकाचू? नहीं, चलो ठीक है। ओनली ट्रूली स्किल्ड ट्रेनर्स कैन पास थ्रू हेयर, ओ इंडीड अ बोल्डर बैच, यू गो राइट देयर। चलो ठीक है हम लोग जा सकते हैं, पर पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कुछ हिडन है क्या, नहीं है। ओके तो ऐसे धीरे धीरे मतलब एक एक करके ये लोग हमारे बैजेस के वेरीफाई करेंगे। शिजला अच्छा नहीं, इन्होंने बस लास्ट वाला बैच देखा हमारा और जाने दिया। ओके यू कैन पास दिस पॉइंट ओनली इफ यू हैव अ
सैस्केट बैच, हाँ कैस्केट, सॉरी कैस्केट बैच, बिल्कुल सही, ये भी करेगा हमारा चेक। और यहाँ से सारे मतलब ये चेक वेक करेंगे भाई, और कुछ नहीं है, ये हमारे जितने भी बैचेस हैं ना ये लोग चेक करने वाले हैं। ओ यहाँ से तो मतलब एक फ्री एंट्री पॉइंट है, हम लोग चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं, पर हम लोग वेरीफाई करके जाएंगे, वेरीफाई करने के लिए कोई है ही नहीं इधर। ओके, पोकेबॉल की जगह थी इसलिए। गोल्डन नैने बेरी, जैसे जैसे हम लोग क्लोज आते जा रहे हैं पोकन लीग के, मेरा एक्साइटमेंट उतना ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाई हमने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक आने के लिए। मतलब कितना टाइम हो गया, कुछ 1.5 महीना हो गया इस गेम को चलते हुए, और फाइनली हम लोग इसके एंड पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे सर्फ चाहिए हमें, सर्फ नहीं मतलब सीक्रेट टेक्निक चाहिए यार, ये बहुत ही सही चीज़ है यार, पता है ये सीक्रेट टेक्निक्स की मदद से हमको ये सब फालतू फालतू के मूव्स नहीं रखने पड़ते भाई। पोकेबॉल्स काफ़ी हैं यार, गोल्डन पेनेबेरी, अब मैं यहाँ पे किसको पकड़ूंगा जो तुमने ये सब दे रखा है, क्यों इसे करूँगा क्या मैं, चलो कोई बात नहीं। या क्यों आ गया बे तू, 45 लेवल का बंदा, चल हट यहाँ से, मेरे को भी जाना है और अपने बैजेस को वेरीफाई कराना है, तुझे यहाँ पे आने की पड़ी है। अच्छा चलो, मुझे लगा ये बैटल करेगा मुझसे पर नहीं कर रहा। सुमेर को क्यों रखा हुआ तुम लोग ने यहाँ पे, बस एक और बंदा बचा हुआ है, लास्ट होना चाहिए ये शायद। कितने 7 बैजेस हो गए क्या, लगता नहीं क्या हो गए। गोल्डन रैस, एक सेकेंड, हमें गोल्डन आइटम्स मिल रहे हैं, मुझे आज तक कभी मिले नहीं गोल्डन रैसबेरीज, गोल्डन पेनेबेरीज, मैं तो नोटिस भी नहीं कर रहा था। इनके तो भाई बहुत सही होगा फिर तो, मतलब कैचिंग, मतलब क्या कहते हैं उसको, रैसबेरी से क्या होता है कि तुम्हारे जो सामने वाला पोकेमॉन होता है वो जल्दी पकड़ में आ जाता है, तो उसकी रेट काफ़ी अच्छी होगी फिर तो। ओके आई गेस कि हम लोग लास्ट गेट पर पहुँचने वाले हैं, बस कि यहाँ पर मुझे बस थोड़े पोकेमॉन वोकेमॉन दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ओके ये लास्ट वाला होना चाहिए भाई, जाऊँ मैं, वोल्केनो बैज है भाई मेरे पास, सब है तो आराम से पूरी पॉकेट डाल लो मेरी, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं, ओके अब हम लोग सीधा जा सकते हैं लीग के लिए। विक्ट्री रोड तो नहीं आएगी अभी, ये तो मैं भूल ही गया था, एक सेकंड, ये तो मैं विक्ट्री रोड के बारे में कैसे भूल गया भाई, कि एक विक्ट्री रोड नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि आती है। हे देयर बडीज, वेलकम बैक टू पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू, और आज हम लोग फाइनली जाने वाले हैं पोकेमॉन लीग के अंदर एलीट फोर को हराने के लिए, और अल्टीमेटली उसके बाद हम लोग हरा पाएंगे चैंपियन को। सो लेट्स सी इफ यू आर रेडी। पिकाचू तू एक्साइटेड है ना एकदम, भाई पिकाचू तो सीनरी देख रहा है एकदम, चल बहुत अच्छी बात है, इसको कहीं से आवाज़ आ रही किसी पोकेमॉन की। पर अभी हम लोग चलते हैं बैटल में, हम लोग एलीट फोर को हराना है आज ही आज, देखता हूँ अगर मैं हरा पाता हूँ नहीं हरा पाता। बैटल में वैसे इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए, सींग माई पोकेमॉन काफ़ी अच्छी लेवल है मेरे पोकेमॉन की, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बाय द वे मुझे थोड़ा हील करने की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक बहुत ही लंबी केव से भी होकर आ रहा हूँ, और मैंने उस केव में जितने भी ट्रेनर्स हराए थे उसकी लाइव स्ट्रीम मैंने की थी कल, तो अगर तुम्हें देखना है तो तुम जाकर देख सकते हो, मैं कार्ड्स में लिंक डालता हूँ, नहीं डाली तो भाई जाकर देख लेना, मिल जाएगा ऐसी। और बोल रहा जा रहा है कि वहाँ पे मोल्ड्रेस भी मिल सकता है यार, अगर मोल्ड्रेस मिलता होगा ना तो मैं ज़रूर ले लूँगा, पर अभी तो यार मैं कुछ ज़्यादा ही हाइप्ड अप हूँ इनको हराने के लिए एलीट फोर को, तो आई विल डू दैट लेटर। ओके, एवरीवन कॉल्स मी मैडम मेमोरियल, आई नो एवरी मूव दैट अ पोकेमॉन लर्न्स एज इट ग्रोस, यू सी। ओह तो ये मूव रिमेंबरर हैं, ओके आई गेट इट, तो हर्ड स्किल्स मेरे पास हैं कुछ कुछ, तो फिर ये हमें मूव सिखा सकती हैं पुराने वाले। तो मैं कौन सी मूव्स देखना चाहूँगा, नहीं यार मेरे मूव्स काफ़ी अच्छे हैं यार, मतलब मैंने जितने भी मूव्स बांटे हैं ना अपने पोकेमॉन को वो काफ़ी अच्छे मूव्स हैं, तो आई वुड नॉट लाइक टू स्विच द मूव्स आई हैव गिवन देम। आर यू डन विद योर शॉपिंग, इज योर पार्टी ऑल हील्ड अप। हाँ यार ये सब तो देखना पड़ता है, मैंने अभी शॉपिंग नहीं किया यार, तूने बहुत सही याद दिला दिया रेस ट्रेनर, थैंक यू अलॉट यार। अच्छा ये एग्जीक्यूटर ट्रेड कर रहा है यार, एग्जीक्यूटर तो मैं एक पकड़ लूँगा क्योंकि अलोलन एग्जीक्यूटर देता है यार हमें। ओके आई हैव टू बाई सम आइटम्स, ये सब पोकेबॉल्स की तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास ये थोड़ी से हैं पोशंस पर मैं ले लेता हूँ 10 और नॉर्मल पोशंस में, मुझे पता है कि मैं नॉर्मल पोशंस यूज़ नहीं करूँगा तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, पर सुपर पोशंस एटलीस्ट आई हैव टू टेक बाय 40 एटलीस्ट कम से कम, और उसके बाद मुझे मैक्स पोशंस भी लेने हैं, फुल हील अगर मुझे मिल जाए तो बहुत ही प्यारी बात होगी यार, फुल रिस्टोर, हाँ यही तो चाहिए था, फुल रिस्टोर मुझे चाहिए, कितना बहुत ज़्यादा महंगा होता है यार, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं ले पाऊँगा, पर मैं चलो 20 तो ले ही लेता हूँ यार, अब पैसे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, देखो चिंता मत करो तुम लोग, अभी हम लोग इसी के लिए तो हमने इतने पैसे जमा किए हैं जिससे हम लोग एलीट फोर को हरा पाएँ और चैंपियन को हरा पाएँ, तो डोंट वरी गाइस, वी विल डिफीट दीज गाइस, और हम लोग को थोड़ा पैसे बर्बाद करने पड़ेंगे उसके लिए। ओके मैक्स पोशंस इन आर बैग नाउ, हाइपर पोशंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हाइपर पोशंस
ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे बैटल के दौरान। अब बैटल में से निकल जाएंगे ना तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर वैसे यूज़ करेंगे हम। आई गेस आई एम प्रिटी मच डन हेयर। एक सेकेंड, मुझे वो भी बाय कर लेना चाहिए क्या, स्टेटस रिस्टोर्स वगैरह। अबे यार मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूलने वाला था यार, अच्छा मुझे याद आ गया, ये तो मुझे काफ़ी सारे लेने पड़ेंगे यार, कम से कम 25। हाँ यार 25 तो लेने ही लेने पड़ेंगे मेरे यार, 100,000 के नीचे पैसे आ गए मेरे यार ये सब खरीद के। बट आई डोंट केयर एट ऑल, ओके आई डोंट फ्रीकिंग केयर, बिकॉज आई एम गोना डिफीट दीज गाइस एंड आई एम गोना बिकम द चैम्पियन। ठीक है, मैं चैम्पियन बनने वाला हूँ आज। इफ़ यू विन अ डोर विल ओपन टू द नेक्स्ट ट्रेनर, गुड लक। ओके सो आई विल सेव माई गेम हेयर भाई, नो रिस्क टेकन, हम लोग सेव करेंगे और फिर जाएंगे अंदर। यार इतने कम पैसे देख के मेरे को रोना आ रहा है, पर क्या कर सकते हैं अब, लेट्स गो। देखो हमारी एलीट फोर सबसे पहली वाली आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक आउट चार्जर्ड फॉर दिस मैच, ठीक है तो मूव एंड लेट्स टेक आउट चार्जर्ड। आर्टिकुनो सही नहीं रहेगा इस मैच के लिए एंड लेट्स गो, लेट्स डिफीट दिस, डिफीट हर। ओके आई गेस मैं इसको आराम से डिफीट कर पाऊंगा यार, लोरियल को तो इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए, ये मैक्सिमम 50-52 इतने लेवल के होने चाहिए इसके पोकेमॉन। आजा नर्ड, बैटल करते हैं। पिछली बार इसने हमें बचाया तो था वैसे टीम रॉकेट से, पर इस बार हमें इसको हराना पड़ेगा। वाओ क्या ज़माना आ गया है, 5 पोकेमॉन इसके पास। डिवोंग निकाला इसने सबसे पहला, स्टार्टिंग से ही इसने तगड़ा वाला पोकेमॉन निकाल लिया है। बट आई डोंट केयर, शुड आई केयर अबाउट दिस, नो नॉट एट ऑल। ओके मैं सीधा सीधा मेगा एवोल्यूशन के लिए जा रहा हूँ, और मैं मेगा एवोल्यूशन कौन सा करूँ इस केस में, मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा? आई गेस एक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इसमें ना तो कोई ग्राउंड टाइप्स आ रहे हैं जो कि मुझे डैमेज जितना ज़्यादा कर पाएँ, तो आई विल गो फॉर दिस। सो मैं एक्स वाला मेगा एवोल्यूशन कर रहा हूँ। बैम, लुक्स ऑसम एज ऑलवेज डूड, सही लगता है। और इसने यूज़ किया फायर ब्लास्ट, अरे यार एक हिट में क्यों नहीं गया ये, इसका वही है ना, इसकी ड्यूअल टाइपिंग है इसकी वजह से यार, वरना ये चला जाता। वो तो इसके उसके साथ भी प्रॉब्लम आएगी हमारे, इसके पास वो भी तो है, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, लैप्रेस। अरे यार लैप्रेस का नाम कैसे भूलिया, लैप्रेस भी है ना इसके पास, तो वो भी दिक्कत करेगा अभी इसका। बट डोंट वरी गाइस, मैंने सब कुछ ले रखा है। लैप्रेस पे शायद से मैं थंडर पंच यूज़ करना चाहूँगा, लैप्रेस ने निकाल लिया। आजा भाई लैप्रेस, ओके थंडर पंच ज़्यादा अच्छा रहेगा इस पर, लेट्स डू इट, कम ऑन चार्जर्ड, कम ऑन। ओ ओ क्यों यार, मैंने मेगा एवोल्यूशन किया उसकी, उसके ऊपर से मेरे पोकेमॉन इससे कम से कम कितने लेवल के ज़्यादा हैं, फिर भी हम लोग इसको वन हिट नहीं कर पा रहे। मेगा एवोल्यूशन ऊपर से लेवल का एडवांटेज, डूड दिस गर्ल इज स्ट्रांग, मानना पड़ेगा, शी इज फ्रीकिंग स्ट्रांग मैन। ओके ओके टेक आउट योर नेक्स्ट पोकेमॉन फास्ट, ओके आई डोंट हैव टाइम, मुझे अभी बाकियों को भी हराना है। जिंक्स, ओके यू ही ना कुछ बात, जल्दी जल्दी निकाल बस अपने पोकेमॉन। इसका तीसरा पोकेमॉन आई है एंड फायर ब्लास्ट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन ऑन दिस थिंग, अवॉइडेड द अटैक। अरे यार नहीं नहीं भाई, इससे कुछ होना नहीं चाहिए तुझे, मैं बता रहा हूँ तुझे, बिल्कुल भी नहीं यार, क्यों 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 क्यों, हाँ दिस इज बैड। अच्छा मैंने अवेकनिंग तो ले ही ली थी, पर फिर भी यार मतलब एक मूव वेस्ट हो जाता ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बस और कोई बात नहीं है। ये मेगा चार्जर्ड भी नहीं संभाल पाया इसके लवली किस को, वाओ ब्लिजर्ड, ओ नो, अच्छी बात है भाई अभी फायर ब्लास्ट यूज़ कर रहा है, हो जाना चाहिए काम, और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा। आई हील चार्जर्ड इन द नेक्स्ट वन, यार मुझे चार्जर्ड को हील कर देना चाहिए, कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो जाए, यू हैव टू डू इट। एक सेकेंड, क्या निकाला इसने, पता नहीं यार क्या निकाल रही थी, पर मैं स्विच नहीं कर रहा, क्लॉइस्टर ना, ठीक है यार अब क्या करें, निकाल लो क्लॉइस्टर तुम, हम ड्राइंग रेस तो यूज़ कर नहीं सकते, फिर फायर ब्लास्ट में यूज़ कर लेता हूँ यार, मुझे वैसे इसको हील करना था, जैसा कि मैं हूँ मैंने हील नहीं किया, वन हिट कर दिया, पर इसने क्या बात है यार, मज़ा आ गया यार, सच में मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया। ओके इसका लास्ट पोकेमॉन गाइस, स्लो ब्रो, ओके अगर स्लो ब्रो आ रहा है तो मैं पिकाचू को लास्ट चांस दे देता हूँ यार। पिकाचू आना है क्या तुझे, नहीं चलो, बोल रहा है कि 4000 को ही करना, तो जो करना है तो भाई आजा स्लो ब्रो, तू आजा यार, ये पिकाचू बहुत आलसी होता जा रहा है आजकल, बात बात नहीं मानता मेरी। थंडर पंच यूज़ करेंगे, तेरा काम ख़त्म करेंगे, ठीक है बाय बाय टाटा, अपने घर को जा, ठीक है नहीं जाना अभी, नहीं जाना, चल अभी देखो, जाने पर मजबूर करेंगे हम, चिंता मत कर, पैरलाइज किया ना अभी तुझे,
ये बात। अब बस इसका एक और हिट पड़ जाए तो मजा आ जाएगा। कम ऑन मैन, कम ऑन। एंड देयर वी गो गाइस, हम लोगों ने एलीट फोर का पहले वाले बंदी को हरा दिया, लॉरियल को। अब बचे हैं तीन लोग और तीन लोगों को भी इसी स्मूथनेस से हम लोग हरा देंगे। अभी क्या 10 मिनट हुए हैं भाई, यूं हरा दे चुटकियों में भाई, चुटकियों में ऐसे ही हराएंगे सबको, चिंता मत करो। इनके इतने ही लेवल के पोकेमॉन है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लुक्स लाइक यू हैव गॉटन स्ट्रॉन्गर सिंस वी लास्ट मेट। वो तो कब की बात है, कब उससे तो कितना स्ट्रांग हो गया मैं। यू ओनली गॉट अ टेस्ट ऑफ द पोकेमॉन लीग्स पावर। इसको खुद पता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब पता है ना तुझे, सही बताइयो, पता है ना। अरे मैं ईथर लेना भूल गया, ओ यार मुझे पता था, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं कुछ ना कुछ ले लेना भूल रहा हूँ यार, पर ठीक है यार। ईथर मेरे पास एक पड़ा है, एलिक्सर मेरे पास 6 पड़े हैं, पर ये हाँ ईच मूव का करता है ना यार ये। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका जो पीपी है फायर ब्लास्ट का वो रिस्टोर कर देता हूँ। मैं अभी एलिक्सर यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि एलिक्सर क्या है, तुम्हारे सारे मूव्स की पीपी रिस्टोर कर देता है। आई डोंट वांट दैट, वो वरना वेस्ट हो जाएगा। पहले मत तो मुझे इसको रिस्टोर करना है। चार्जर भैया हो जाइए आप रिस्टोर, और पोशन विल बी इनफ, दैट्स इट, कम ऑन वी कैन डू इट। हम लोगों ने पहले को हरा दिया, ऐसी तीन लोगों और हरा देंगे हम। पहले सेव करेंगे और जाएंगे अंदर। ओके, आई कैन फील पावर फ्लोइंग थ्रू माई वेंस, पूरी बॉडी में मेरे पावर चल रही है इन लोग को हराने के लिए। ओ फाइटिंग टाइप बंदा आ गया। ओके ओके ओके, शुड आई टेक आउट पिकाचू, आई गेस, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही सही फ्लाइंग टाइप मूव है और उससे पैरालाइज हो जाते हैं कई बार ये लोग, तो आई विल टेक हिम आउट। एंड सबसे ज़्यादा विल का मेरा पिकाचू ही है, तो ओके लेट्स डू इट, दिस इज माय लास्ट बेट। पिकाचू को ही यूज़ करना मेरा लास्ट बेट है, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं चार्जर को यूज़ कर लूँगा। ओके दिस नो प्रॉब्लम इन यूजिंग चार्जर, उसके पास भी फ्लाई है आराम से भैया। तो स्नॉरलैक्स से भी ज़्यादा भारी लग रहा है मेरे को, क्यों क्या बात है। ओ बाप रे, एनिमेशंस भी तो देखो, ब्रूनो तो हमेशा से ऐसी गुस्से वाला ही रहा है भाई। ऑनिक्स निकालना जरूरी था तुम्हें, क्यों गलत बात है यार ये तो, नहीं गलत बात नहीं है, है पर हम लोग स्प्लिशी स्प्लैश यूज करेंगे, हमने सब सीख रखा है इस चीज के लिए। हम पता है तुम कितने गंदे हो, टाइप तुम्हारा कुछ और है, कुछ और लेके आते हो, पर इसलिए हमने रखा हुआ है सब कुछ तामझाम। आजा दूसरा निकाल तू अपना, ठीक है मैं चैंप निकाला। अब इसने निकाला ना मैं असली पोकेमॉन, ज़्यादा बन रहे थे। अरे मचैम्प को भी हम ऐसे ही हरा देंगे, क्योंकि हमारे पास है फ्लोटी फॉल एंड दैट वर्क्स लाइक अ चार्म, बहुत ही सही काम करता है ये मूव। एंड ओ माय गॉड, डिड ही एक्चुअली सर्वाइव दैट मूव, डूड आई सीरियस। ओ भाई अर्थक्वेक यूज करने वाला था ये डूड, मुझे नहीं, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कि ये लोग ऐसे ऐसे मूव सिखा देंगे यार। इनको अर्थक्वेक सिखा रखा है इसने अपने मचोक को, मचैम्प को सॉरी। ओके गाइस मे बी वी हैव टू स्विच नाउ, मुझे शायद से चार्जर को निकालना पड़े और इसके वाई फॉर्म में मुझे मेगा एवोल्यूशन करूंगा शायद मैं, तो सही रहेगा काम। पर ये पॉलीरैथ निकाल रहा है, आई कैन नॉट स्विच नाउ, मैं स्विच नहीं कर सकता चाहे जो हो जाए अब तो, क्योंकि पॉलीरैथ को मैं खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। ओके माई पिकाचू कैन हैंडल दिस पॉलीरैथ, लगता है बड़ा कूल सा ही पॉलीरैथ, बट नो ही इज नॉट। ओके ही इज अ स्टिंकी लिटिल फेलो। ओहो ओहो, पावर दिखाएगा अपनी तू, थंडर खा के देख तू मेरा, तब तुझे मेरी पावर का पता चलेगा। पिछली बार तो तूने अवॉइड कर दिया था अटैक, और ये बात, ये हुई ना कुछ बात यार, ये हुई ना कुछ बात। थंडर तो यार एक बार पड़ गया ना तो बस पड़ गया यार, उसके बाद तुम मरने से किसी को रोक नहीं सकते। ओके ओके इसके लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है हिप ओनली, कम ऑन बॉय, इसको भी हम हरा देंगे आराम से एकदम मक्खन मार के। ए कितने अजीब से पैर हैं तेरे, ही सच में यार हिप ओनली के पैर बड़े अजीब हैं, बाकी तो सही लगता है हिप ओनली। पिकाचू ओ ये कैसा लगा टेस्ट इस मूव का, वन हिट बढ़िया बढ़िया। ओके लास्ट पोकेमॉन टू बी डिफीटेड, हिपमॉनचैन, ऑफकोर्स मेरे पास भी एक हिपमॉनचैन था और मैंने उसको काफ़ी पाला पोसा, पर क्या कर सकते हैं यार, वो भी काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो बिल्कुल वीक पोकेमॉन था, इट वॉज अ प्रेटी गुड पोकेमॉन, पर मेरे पास टाइम नहीं था उस पोकेमॉन को ट्रेन करने का। पर आई गेस मैं तुम लोग को हारने के बाद उसको ज़रूर ट्रेन करूँगा,
तो प्लीज़ मैं तो जल्दी से हरा दूँ, इसके लिए दुआ कर। और तेरा पोकन मरने को तैयार ही नहीं है क्या यार तेरे पोकन के साथ है? करना क्या चाहता है ये? फायर पंच मार रहा है मेरे पे। अच्छा ग्राउंड पंच नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वरना मैं गया था काम से। एंड दे वी गो, बढ़िया। और इसी के साथ हमने सेकंड एलीट फोर को भी हरा दिया यार। मतलब एवरेज टाइम हमें इस बार लगा 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, कम ही लगा यार। बल्कि पिछली वाली मैच में भी मतलब मान लो 8 मिनट लगे थे, इसमें 4 मिनट या 3 मिनट लगे। भाई हम तो कतई फोड़ रहे हैं यार मतलब, और 10,000 रुपये दे रहे हैं ये लोग, समझ रहे हो? हमने मतलब हमारे मतलब 1 लाख के ऊपर तो आराम से चले ही जाएंगे पैसे अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो। ऑसम मैन, क्रेजी। मैं बस चलता हूँ सीधा आगे। इन आंटी के लिए मैंने राइडॉन को आगे रख लिया है क्योंकि ये पॉइजन टाइप मास्टर हैं, और अच्छा रहेगा राइडॉन को मैंने इतनी ट्रेनिंग दी है तो अच्छी बात है कि काम आने वाला है वो, और भाई बहुत मदद करने वाला है। अब राइडॉन सबसे कम लेवल का पोकन है मेरी टीम में, आई डोंट नो वो कैसा कर पाएगा, बट आई जस्ट होप कि वो सामने वाले के 2-3 पोकन को तो फेंट कर ही दे यार। आर्बक जैसे पोकन को आराम से टेकडाउन कर सकता है, पर यार देखो गेंगार है ना, वो भी पॉइजन टाइप होता है, और मुझे इतना याद है कि इसका गेंगार आता है, तो उसको कैसे हैंडल करेगा यार मुझे कुछ आइडिया नहीं है यार। इसने मुझे पहले से पैरालाइज कर दिया यार। दिस शुड बी सुपर इफेक्टिव एंड देयर यू गो, एक बार में 1 हिट कर दिया इसने। भले इसकी लेवल कम हो पर अर्थक्वेक भाई मूव बड़ा तगड़ा है, तो फिर इंस्टेंट डैमेज पड़ता है, और इसने हमें पैरालाइज कर दिया है। पहले तो मैं उसको हील करूँ यार, पैरालाइज कैन बी रियली बैड, खासकर कि तब जब तुम्हारे सामने ओ गेंगार इसने अभी से निकाल लिया, वही तो दिक्कत है यार, इसके पास गेंगार है। अब मुझे हील करने की सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसने कोई वाटर टाइप मूव किसी को ना सिखाया हो, इसको पता ही होगा कि कैसे काम करता है ये सब, तो इसने सिखा ही रखा होगा। ओके आई डू हैव सम पैरालाइज हील्स एंड लेट मी हील हिम अप। राइडॉन कम ऑन मैन, यू कैन डू इट यार, कम ऑन मैन। शैडो बॉल, ओके अभी तक तो ये लोग कुछ ऐसा यूज़ कर नहीं रहे हैं, आई होप आगे भी ना करें। और ये कुछ अजीब सा ग्लिच हुआ था अभी, पता नहीं क्या था यार। अर्थक्वेक काम कर जाएगा क्या? मैं ट्राई कर लेता हूँ यार अर्थक्वेक। ओ नो, विलो विस्प यूज़ किया था इसने, बस अर्थक्वेक हम लोग यूज़ कर लेते हैं, देयर वी गो। अर्थक्वेक अगर एक बार पड़ जाता है ना तो बस काम खत्म हो जाता है बंदे का, पर बस यही है ना कि स्पीड हमारी अभी स्लो है उससे, और मुझे लगता है कि इसका बाकी जो पोकन है उनसे भी थोड़ी बहुत स्लो रहती है। अगला कौन सा है इसका? गोल बैट, ओके। इस पे यार रॉक स्लाइड ज़्यादा अच्छे काम करेगा, और इसका रॉक स्लाइड है भी, तो मैं स्विच नहीं करूँगा, मैं फुल हील यूज़ करूँगा यार, जिससे इसका बर्न भी चला जाए और इसकी हेल्थ भी फुल हो जाए। वेयर इज माय फुल रिस्टोर, ओके ये रहा, ये नहीं ये, ठीक है इसको यूज़ कर लेते हैं राइडॉन पे। भाई बर्न अपना ख़त्म कर ले तू पहले, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब ये एयर स्लैश वगैरह छोटे मोटे अटैक्स यूज़ करता रहेगा, उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मुझे तो ध्यान से रॉक स्लाइड यूज़ करना है और इसका काम ख़त्म करना है। रॉक स्लाइड से एक बार मैं नहीं मरेगा, आई एम प्रिटी श्योर नहीं मर पाएगा एक बार में ये, बट कम से कम 2 बार में काम बन जाए इसका बस। ओ अरे बहुत बढ़िया यार राइडॉन, ओके वीजिंग आ रहा है इसका अगला, लास्ट पोकन पता नहीं कौन सा होगा इसका यार। ओके बॉय वीजिंग, तेरे पे भी हम लोग सोच रहे हैं कि रॉक स्लाइड यूज़ कर ले, रॉक स्लाइड यूज़ कर लेते हैं तेरे पे, क्या बोलता है? नहीं नहीं इसको रॉक स्लाइड से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। शैडो बॉल सिखा रखा है इसने सबको यार, ओ भाई इस पे तो काम करता है अर्थक्वेक। ओके आज मुझे कुछ सीखने को मिला, ओ माय गॉड मुझे सच में नहीं पता था। ओके मैं हमेशा याद रखूंगा कि अर्थक्वेक कैन एक्चुअली वर्क ऑन वीजिंग। कभी कभी यार सेंस नहीं बनता ना, वो बंदा उड़ रहा है आसमान में फिर भी अर्थक्वेक यूज़ हो रहा है उस पर, तो कन्फ्यूजन हो जाता है यार, क्या कर सकते हैं हम, पर ठीक है अब याद रहेगा हमेशा। गेंगार, इसका लास्ट वाला भी गेंगार है, ऐसा है क्या? तो मेगा इवॉल्व करेगी क्या तू, क्या करेगी? नहीं चल ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वैसे। देखो यार वो कुछ है यार, और यार उसने मुझे फेंट कर दिया, मैं तो ये बोल रहा था ग्लिच है कुछ, तो शैडो बॉल यूज़ करता है ना तो कुछ हादसा बना हुआ आता है, यार उसने मुझे फेंट कर दिया यार, ये तो गलत हो गया, तो बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया यार। मेरे पास वैसे ब्लास्टोइस के पास कुछ मूव्स हैं डार्क टाइप जो कि काम आ सकते हैं, आई थिंक दैट विल वर्क, आई जस्ट स्विच टू ब्लास्टोइस, बस ब्लास्टोइस कुछ गड़बड़ ना कर दे, वरना सब कुछ ठीक होना चाहिए, डार्क पल्स से काम बन जाना चाहिए यार सच में। अब कितने पोकन बिगाड़ेगा मेरे तू, ये ले। अरे अरे यार भाई बस कर यार, क्योंकि तेरा काम हो चुका है अब, ज़्यादा ट्राई मत कर जीतने का, ओके बिकॉज यू कांट डू इट डूड।
ले तेरी ट्रेनर हार चुकी है, 10,000 रुपये देने पड़े इसको मुझे। बहुत ही बढ़िया। ओके आई सी व्हाट द ओल्ड डफ सीज़ इन यू नाउ, आई हैव नथिंग एल्स टू से, रन अलोंग नाउ चाइल्ड। चाइल्ड बोल के बेइज्जती कर दी इसने मेरी, पर ठीक है यार, आंटी जी बहुत बड़ी हैं तो चाइल्ड बोलना तो बनता ही है। ओके सो दिस इज द टाइम वी हील अप आवर पोकेमॉन। ओके द नेक्स्ट रूम गाइस एंड द फाइनल इलीट फोर जिसको हमें हराना है, और ये वाला थोड़ा टफ हो सकता है। ओके तुम इसको जानते ही हो, सब लोग जानते हैं इसको, और भाई मेरा रोल मॉडल है ये, बहुत सही लगता है भाई इसकी, मतलब इसका आउटफिट देखो यार, तुम आउटफिट देख के कैसे एक सुपर हीरो नहीं लगता, तुम खुद बताओ। मैंने इसके लिए अपने चार्जार्ड को कुछ ज़्यादा ही ट्रेन किया है, तो आई विल कीप हिम इन द फ्रंट। और वैसे अगर चाहें हम तो आर्टिकोनो को भी रख सकते हैं आगे, बट डजेंट मैटर यार, हम चार्जार्ड को रखेंगे और फुल ड्रैगन ऑन ड्रैगन बैटल कराने वाले हम लोग। सो लेट्स गो, इस बैटल के तो मैं पूरे मजे लेने वाला हूँ यार। आई लीड द एलीट फोर, यू कैन कॉल मी लैंस द ड्रैगन ट्रेनर, भाई तुझे सब जानते हैं यार। यू लाइकली नो द ड्रैगन्स आर पोकेमॉन स्पोकन ऑफ इन लेजेंड्स, दे आर हार्ड टू कैच एंड रेस बट द पावर आर सुपीरियर। यार ऐसे मत दिखाओ ड्रैगनाइट को, वरना मुझे भी पकड़ने का मन कर जाएगा, वैसे पकड़ने तो वाला हूँ बट यार मिल नहीं रहा कहीं पे। दे आर वर्चुअली इनडिस्ट्रक्टिबल, माय गॉड ही लुक्स सो इमेंसली पावरफुल। ओके तो इसको हमें हराना है बस भाई। ड्रेस मुझे भी दे दे यार ऐसी वाली, मैं तो सफारी वाली ड्रेस पहन के घूम रहा हूँ उतनी देर से, मुझे कोई और नई ड्रेस मिली नहीं। ओके द लास्ट एलीट फोर, कम ऑन आई कैन डू इट, आई कैन डू इट यार, मेरे अंदर वो शक्ति है इनको हराने की, आई कैन एंड आई विल डू इट। कम ऑन ड्रेसअप, यू कैन डू इट मैन। मैं सीधा सीधा जाऊँगा अपने एक्स के लिए, जाऊँ क्या, चलो एक्स के लिए जाऊँगा मैं, ठीक है। ड्रैगन पावर्स बढ़ती हैं एक्स से हमारी, और ड्रैगन पावर्स की तो हमें ज़रूरत है, तो आई विल गो एंड यूज ड्रैगन रेज स्ट्रेट अप। वैसे ड्रैगन रेज इसके पास, मुझे लगता है मेरे कोई और पोकेमॉन है जिसके पास ड्रैगन रेज से अच्छा एक ड्रैगन टाइप मूव है। ड्रैगन रेज इज नॉट ऑल दैट गुड ऑफ अ मूव, ड्रैगन टाइप मूव्स में और काफ़ी अच्छे मूव्स होते हैं। मुझे लगता है इसमें मुझे थंडर यूज करना चाहिए, है ना। ओहो भाई आराम से यार मारेगा क्या मुझे, थंडर पंच यूज कर लेता हूँ उस पर मैं, आई गेस दैट शुड बी येस। बगला पोकेमॉन कौन सा है इसका, ड्रैगनाइट, अभी सही सेकंड पोकेमॉन ड्रैगनाइट यार तेरा, कुछ सोच समझ के रखा है तूने ऐसा कि ऐसे ही कुछ भी, चल ठीक है मुझे क्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर देख ले तुझे कोई दिक्कत ना आए तो मैं तो ड्रैगन रेज यूज करके निकल जाऊंगा, तेरे चार्जर का क्या होगा, वो ड्रैगनाइट का क्या होगा मुझे नहीं पता फिर। भाई ड्रैगनाइट तो ऐसी तैसी कर दी यार, माय गॉड नहीं यार, कम ऑन मैन, सीरियसली सीरियसली डूड, इतना ज़्यादा डैमेज। मुझे लग रहा है कि मेरा चार्जर फेंट तो होने ही वाला है, तो मैं क्यों ना, अगर मेरा चार्जर फास्टर है उससे जो कि है, तो क्यों ना मैं इस बैटल का थोड़े मज़े ले लूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं फायर ब्लास्ट यूज़ कर लूँ, फायर ब्लास्ट यार वैसे कम चांसेस हैं यूज़ होने के पता है, तो एक काम करता हूँ मैं यूज़ करता हूँ फ्लाई, चलो ये करते हैं, एक और मूव के लिए बच जाएंगे हम लोग बस, और कुछ नहीं सोचा मैंने, एक और मूव के लिए बच जाएंगे यही सोच रहा था, और देखते हैं यार कुछ तो थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ेगा इसको। ठीक है भाई काफ़ी हद तक डैमेज पड़ गया, आउटरेज ऑफकोर्स ड्रैगनाइट इज गोइंग टू, आई मीन चार्जर्ड इज गोइंग टू डाई, बट थैंक यू चार्जर्ड फॉर द ऑसम एफर्ट यार। अगर मेरे पास ड्रैगन रेज से कोई अच्छा ड्रैगन टाइप मूव होता ना तो काम बन जाता हमारा, वो वैसे कितना मज़ा आएगा ना अगर पिकाचू वो हो जिसने ड्रैगनाइट को हराया, कितना मज़ा आ जाएगा, क्योंकि एनीमे भी यही हुआ था भाई, ड्रैगनाइट को पिकाचू ने हराया था, और अगर हमारा भी पिकाचू की ज़रूरत पड़ी ड्रैगनाइट को हराने के लिए तो कितना, मतलब क्या एनीमे जैसी फील आने लगेगी फिर। बट आर्टिकूनो है हमारे पास द लेजेंड यार, तो लेजेंड ने लेजेंड को मार दिया, ड्रैगनाइट भी एक लेजेंड है, द ड्रैगन ऑफ द लेजेंड्स, तो लेजेंडरी बैटल चल रही है यहाँ पे एक एरोडैक्टाइल। ओके तो ये सुपर इफेक्टिव, क्या मतलब 4 times इफेक्टिव होने वाले हैं अब हम लोग इस पर, बिकॉज ही इज ऑल्सो रॉक टाइप। नहीं यार ऐसा मत कर, नहीं भाई ऐसा मत कर यार तू। ओके दिस इज गुड, ठीक है अगला पोकेमॉन निकालो भैया तुम, मेरे सारे पोकेमॉन 69 लेवल के ही हुए जा रहे हैं। गैरिडोस निकाल रहा है ये, ओके सो पिकाचू कैन हैंडल द गैरिडोस ऑफकोर्स, आ जा भाई पिकाचू। इसका लास्ट पोकेमॉन पता नहीं कौन सा होने वाला है, एक और ड्रैगनाइट तो नहीं है कहीं, हो भी सकता है यार उसके पास दो दो गेंगार थे तो उसके पास दो दो ड्रैगनाइट क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ओके गैरिडोस सॉरी बट दिस इज द लास्ट डे फॉर यू,
इन दिस पोकेमॉन लीग. बाय बाय डूड. आफ्टर दिस कौन सा पोकेमॉन भाई, इसको एनिमे में देख के सच में बहुत मज़ा आता था. इसने क्या 4000 निकाल रहे हैं? हाँ 4000 निकाल रही है. जब ये एनिमे में अपना ड्रैगनाइट लेके आता था भाई, मतलब आंखें फटी की फटी रह जाती थी भाई, इतना मज़ा आता था. ओके बट यार अभी हमें इसको क्रश करना पड़ेगा की ज़रूरत है, वरना हम लोग चैम्पियन से नहीं लड़ पाएंगे यार. इट इज़ नेसेसरी. ओहो एयर स्लैश यूज कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला हमें. एंड दिस विल बी द फाइनल अटैक, और इसके बाद हम लोग हरा देंगे पूरी तरह से एलीट फोर को. इसी के साथ गाइस तालियां इन द चैट्स बॉयज, वी हैव डिफीटेड द एलीट फोर, और हम लोग जा सकते हैं अब ऑफिशियली टू डिफीट द चैम्पियन. काफ़ी अच्छी जर्नी रही यार लेट्स गो पिकाचू की भी, और काफ़ी यार इस वाली सीरीज से सच में मेरे चैनल को काफ़ी ग्रोथ मिली, और मैं देख सकता हूँ अपने चैनल के एनालिटिक्स से काफ़ी कितनी ग्रोथ मिली है चैनल को. और आई होप जितने भी लोग नए नए जुड़े हैं इस गेम से वो बरकरार रहें चैनल पे, वो और भी सीरीज़ को देखें. ओ प्रोफेसर ओक आ चुके हैं. ओ हेलो देयर ऋषभ, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री ओवर लैंस. व्हाट्स विद दैट लुक ऑफ सरप्राइज? हाँ हाँ योर टाइमिंग इज परफेक्ट प्रोफेसर ऋषभ, द वन यू विल फेस इज प्रोफेसर ओक. अबे मजाक मत कर. वेल नॉट रियली, मुझे लगा ही था पागल. इट्स रॉन डूड. नहीं यार ही बीट द लीड फोर बिफोर यू. नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता ये बात. उल्लू बना रहा है तू मुझे. वो बंदा लीड फोर को हराएगा, उससे पहले मैंने हराया था यार उसको यहाँ पे आने से पहले. हो ही नहीं सकता यार. दैट्स राइट, इन द पास्ट ट्रेनर्स हु डिफीटेड द लीड फोर वर ओनली रिकॉर्डेड एज चैंपियंस. दिस टाइम हाउएवर विल बी ऑफिशियली एस्टैब्लिशिंग द चैंपियंस एज अ पार्ट ऑफ द पोकेमॉन लीग. Professor Oak is here to officiate the crowning of the new champion. It seems only fitting that it should be either you or Ron. चलो हमारी और Ron की battle होने वाली है, final battle. We'll see कौन जीतता है. मैं यहाँ पे save कर देता हूँ guys, और ये मैं अगले episode में करने वाला हूँ, क्योंकि इस episode में हमने Elite Four को हरा दिया, Ron को भी starting में हराया था वो. I hope मैंने तुम्हें दिखा दिया हो. But guys अभी तक ले इतना ही यार. अगर तुम लोग को मज़ा आया तो लाइक मारना. हम लोगों ने Elite Four को हराया, 4 Elite Four को, तो क्यों ना 4000 लाइक्स हो जाएं. कैन वी डू दैट. और बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट.